Right. Now, what is balanced diet? A diet in which all the nutrients are present in proper amount is known as balanced diet. ये वो वाली डाइट है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, एक प्रॉपर अमाउंट में जो प्रेजेंट होते हैं उनको, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। और बैलेंस डाइट हमें फिट और हेल्दी रखती है और हमें प्रोटेक्ट करती है डिजीजेज से। नेक्स्ट इज व्हाट इज फूड। अब आपका नेक्स्ट है कि फूड क्या है। फूड इज सब्सटेंस दैट कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स विच फिल आवर स्टमक एंड सेटिस्फाई आवर हंगर। यू ऑल आर फेमिलियर विद द टर्म ऑफ फूड। फूड क्या है? फूड वो चीज़ है जो हम खाते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो हम खाते हैं, विच फिल आवर, और फूड क्या करता है, हमारा पेट भर देता है और साथ ही साथ हमें भूख से सेटिस्फेक्शन दे देता है। हमें भूख लगी होती है, हम फूड खा लेते हैं और हमारा पेट जो है वो भर जाता है। नेक्स्ट टॉपिक कि वाई डू वी नीड फूड। फूड हमें चाहिए क्यों, ये क्वेश्चन है। और आप सबको पता है कि फूड हमें क्यों चाहिए। क्यों चाहिए फूड? क्योंकि फूड जो है हमें एनर्जी देता है, ठीक है, और एनर्जी से हम खेल कूद सकते हैं। कोई भी काम करना हो, कोई भी चीज़ कुछ भी करना हो, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत तो होती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से। फूड हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। फूड खाने से ही हमारी जो बॉडी है वो अच्छी रहती है और हम स्ट्रॉन्गली हर काम को कर पाते हैं। फूड हमें हेल्प करता है कि हम डिजीजेस से लड़ सकें, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस इन फोर्थ स्टैंडर्ड। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। योर फर्स्ट चैप्टर इज़ फूड। नाउ वी ऑल नीड फूड। फूड हेल्प अस टू ग्रो। It provides us energy, it keeps us healthy and free from deficiency diseases. Food contains some useful substances that help us to live and grow. These substances are called nutrients. इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है that we all need food. हम सबको फूड की ज़रूरत होती है। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, हमें हेल्दी रखता है और साथ ही साथ हमें डिजीज़ से डेफिशेंसी देता है, प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से, ठीक है। और फूड में कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम लिव कर सकें और ग्रो कर सकें, और इन सब्सटेंस का नाम है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर। जो न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं फूड में, उनके नेम हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज और वाटर। ये जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी में स्मॉल और लार्ज अमाउंट में होते हैं, ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं और कुछ जो हैं वो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट। अब हमें पता है कि फूड हम खाते हैं तो तभी हमें एनर्जी मिलती है। डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं कि खाना खा के मेडिसिन ले लेना, खाना खाएंगे तभी हमारे में हिम्मत आएगी और हम फाइट कर सकते हैं डिजीज़ से। नेक्स्ट इज इट रिपेयर्स द वोर्न आउट बॉडी पार्ट्स। अगर हमें कोई ज़ख्म आ जाता है, ठीक है, या कोई भी हमारी बॉडी पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो भी रिपेयर कौन करता है? फूड की वजह से ही रिपेयर होती है। फूड हमारी बॉडी को बिल्ड करता है और हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प भी करता है। नेक्स्ट इज द वर्कशीट। बच्चे ट्राई टू डू योर ओन सेल्फ सॉल्व दिस। If there is any problem, then I will send you the answer of these worksheet. Next is food groups. Page number 9, food groups. We can divide food into different groups according to what they do for our body. कहते हम food को divide कर सकते हैं अलग अलग groups में, ठीक है, according to what कि हमें क्या चीज़ चाहिए, कैसे चाहिए हमारी body के लिए, कितनी चाहिए, क्या चाहिए हमारी body के लिए। नो फूड ग्रुप्स। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कितने न्यूट्रिएंट्स हमें कितनी मात्रा में चाहिए और किस किस चीज में वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और